दिन दर्शिका, तारीख, पंचांग, ज्योतिष मुहूर्त की जानकारी बताने वाला एक साधन था। कोरोना के कारण पूरी दुनिया मानसिक प्रताड़ना का सामना कर रही है, इसलिए स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए सारणों ने आरोग्य दर्शिका लाई है। इस आरोग्य दर्शिका 2022 का विमोचन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों किया गया। सारणी द्वारा निर्मित आरोग्य दर्शिका कोरोना के संकट में भारतीयों को मानसिक आधार देगा, ऐसा प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। पिछले 122 वर्षों से आयुर्वेदिक दवाइयों की निर्मित करने वाली कंपनी को आरोग्य दर्शिका 2022 हिंदी संस्करण का विमोचन किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा आरोग्य दर्शिका 2022 हिंदी संस्करण का विमोचन किया गया। यह आरोग्य दर्शिका 3 भाषाओं, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध कराई गई है। इस समय सारणी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के निदेशक डॉक्टर शशांक सांडू, सांडू कंपनी के विज्ञापन प्रबंधक मोहन आंबेकर और विदर्भ क्षेत्र के बिक्री प्रबंधक निखिल बैस मौजूद थे। सांडू फार्मास्यूटिकल्स ने इस आरोग्य दर्शिका में आयुर्वेद के प्राचीन विज्ञान को दैनिक जीवन में उतारा है। इसमें दिन विशेष, तिथियां, नक्षत्र, पंचांग, सूर्योदय, सूर्यास्त का समय, महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि, त्योहार, उत्सव, समारंभ, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, मुहूर्त शामिल है। साथ ही आयुर्वेद की मूल सिद्धांतों के अनुसार शरीर, मन और आत्मा का संतुलन कैसे बनाए रखें, यह भी सरल तरीके से बताया गया है। आरोग्य दर्शिका की प्रशंसा करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि इस आरोग्य दर्शिका में स्वास्थ्य परीक्षण, दिनचर्या, आहार की बुनियादी आयुर्वेद अवधारणाओं को बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है। सांडू फार्मास्यूटिकल्स देश की सेहत के लिए दिन रात काम कर रहा है। सांडू के इस उपक्रम से सेहत का ख्याल रखने की जानकारी मिलती है। आरोग्य दर्शिका और दिनदर्शिका या दोघांचा ही एकामध्ये अतिशय योजनाबद्ध रीतीने उपयोग करून सांडू ब्रदर्स ने या ठिकाणी आपल्याला कोणत्या रोगावर कोणता औषध घेतला पाहिजे याची दिनदर्शिकेच्या पानाच्या मागे पूर्ण माहिती उपलब्ध करून दिलेली आहे। आयुर्वेद, योगविज्ञान, नॅचरोपॅथी ही भारतीयांची सगळ्यात मोठी संपदा आहे आणि या संदर्भात आयुर्वेदाचा प्रसारही मोठ्या प्रमाणात होतो आहे। अतिशय अभिनव रीतीने या उपक्रम केल्याबद्दल सांडू ब्रदर्सला माझ्या खूप खूप शुभेच्छा आणि नक्कीच याचा उपयोग लोकांना होईल असा विश्वास आहे। धन्यवाद। BCN न्यूज के लिए एकता गहिरवार की रिपोर्ट।